फ्रेंड्स, समर के सीज़न में हमारे घर में बहुत सारे शेक बनते हैं और कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें से एक होता है ओरियो शेक। और इसका नाम सुनते तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं कुछ नए तरीके से शेक को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ओरियो के 3 पैकेट ले लिए हैं। एक पैकेट मैंने खोल के पहले से रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जितने भी बिस्किट हैं हमें सबको बाहर कर लेना है और मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालकर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, तो आप देखते जाइए, वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और प्लीज़ टाइटल देख के प्लीज़ कमेंट ना करिए, इससे अच्छा है आप कमेंट ही ना करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है ओरियो के बिस्किट और साथ में लिया है वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, और उसके साथ में लिए हैं 2 से 3 चम्मच हमने शुगर। आप चाहें तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बिस्किट भी मीठे हैं और साथ में आइसक्रीम भी मीठी है। अब इसके बाद हमने इसमें डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट ली है और उसके पीसेस करके इसमें पूरा डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें लिया है बिल्कुल ठंडा चिल्ड मिल्क, मतलब बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, और इसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ये शेक हमारा बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनने वाला है। और देखिए, ग्राइंड होने के बाद हमारा ओरियो शेक तैयार हो गया है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी हम बहुत अच्छी करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया हर्षे को हम यहाँ पर कप में ले लेंगे, इसके साइड की वॉल में पूरा इसको डाल देंगे और थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला देंगे, ताकि ये देखने में बाहर से ब्यूटीफुल दिखाई दे, क्योंकि डेकोरेशन इज़ मस्ट। आप जितनी अच्छी डेकोरेशन करते हैं, खाने की चीज़ें उतनी अच्छी दिखती हैं और लोग खाने के लिए ललचाती भी हैं। तैयार किया हुआ जो ओरियो शेक है इसमें हम ले लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करेंगे और सर्व करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। अब आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, ये आइसक्रीम और चॉकलेट से भरपूर ओरियो शेक आपके बाकी दिनों के ओरियो शेक से बिल्कुल अलग टेस्ट में आएगा और अलग प्रेजेंटेशन भी रहेगी।